सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त कभी खुद को बदलते नहीं थकता। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंखों से निकले। ना मांग कुछ जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं कि यह एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। आज का पंचांग 1 अगस्त 2020, दिन शनिवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 9:55 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र सुबह 6:48 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:10 से 10:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 1 अगस्त 2020, दिन शनिवार, आज आप पूरा दिन थोड़े से भावुक रहेंगे। आप जो भी करेंगे पूरे मन से करेंगे और इसीलिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप पिछले कुछ समय से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को टाल रहे हैं, लेकिन आज इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर रखकर सुलझाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। किसी मित्र के मुसीबत के समय में आप उसका सहयोग करेंगे, इसलिए आपको आत्मिक खुशी प्राप्त होगी। साथ ही आपका अपनी वसूलों और सिद्धांतों पर अड़िग रहना समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। आज के दिन आपके लिए कुछ आलस्य भरा हो सकता है, आप में ऊर्जा की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा, जिस कारण मन में उदासी सी महसूस हो सकती है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अच्छा है बुरा कुछ भी स्थायी नहीं है। लोगों और वस्तुओं से अपने आप को वियुक्त करें। आज के दिन अपनी इष्ट देव को याद करें और उनकी अर्चना अवश्य करें। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं जो आपके अनुकूल है, इसके कारण परेशान ना हों। सावधानियां, संतान की किसी गलत संगति की वजह से चिंता रहेगी, परंतु आपकी समझदारी व सूझबूझ से समस्या का हल निकल आएगा। ध्यान रखें कि भावुकता में आकर कोई निर्णय ना लें, व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। लव लाइफ की बात करें तो अगर ये रिश्ता आपके चेहरे पर काफी खुशी के लिए है तो ये जरूर आपको खुशी और शांति देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये समय आगे बढ़ने का है। इस रिश्ते को इसीलिए आगे ना खींचें क्योंकि ये सुंदर है। अगर ये भावनाओं में मेल नहीं खाता तो इसे कूड़े में डाल दें, और अगर आप अपने भीतर की आवाज को शांत रूप में सुनेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा को कुछ उत्पादकता वाली स्थिति में निवेश करें। करियर की बात करें तो आप अपने को शांत रखें क्योंकि कुछ स्थितियों में आप अपना आपा खो सकते हैं। कुछ भी क्रोधित तरीके से ना बोले कि किसी को वो आक्रामक या गलत लगे। इस समय इस बिंदु पर अनभिज्ञ रहें और बाद में एक परिष्कृत तरीके से अपना रोष बाहर निकालें। आप खुश रहें क्योंकि आपने काफी धन एकत्रित कर लिया है जो कि आप विलासिता से भरी वस्तु पर खर्च कर सकते हैं। सेहत की बात करें तो आज बहुत अच्छी सेहत का आनंद उठाएंगे। आपको अन्य परिजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपको उनमें से किसी को कोई छोटी मोटी तकलीफ होने पर देखभाल करनी पड़ सकती है। आपको यह भी समझना है कि आपकी शारीरिक
सेहत काफी हद तक आपके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। अरोमा थेरेपी या राहतकारी मसाज से आपको अच्छा लगेगा। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।